नमस्कार वाणी डिजिटल मंच की ओर से आयोजित 16 दिवसीय व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज यह छठा व्याख्यान है हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन की नई दृष्टि का जो दूसरा सोपान है विचारधारा और विमर्श उसमें आज के व्याख्यान में हमारे साथ शामिल हैं युवा आलोचक और आदिवासी साहित्य पर विशेष काम करने वाले भाई गंगा सहाय मीणा जी मित्रों आज जिस विषय पर व्याख्यान है वह विषय है आदिवासी विमर्श और हिंदी साहित्य गंगा सहाय जी इस बीच में आपने लगातार आदिवासी साहित्य और चिंतन को लेकर विशेष काम किया है आपने और एक खास बात यह है कि आदिवासी साहित्य नाम से आपने त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी किया है और लगातार अपने लिखने और बोलने में आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर उसके चिंतन को लेकर उसके सृजन को लेकर आपने जिस तरह से उसकी पूरी वैचारिकी को विवेचित किया है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हम वाणी डिजिटल मंच की तरफ से अदिति जी की तरफ से अपनी तरफ से अपने तमाम सारे श्रोता समूह की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं साथ ही गंगा जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभाकर, प्रभाकर जी धन्यवाद अधिति जी और प्रकाश जी और पानी आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ इस तो श्रृंखला में मुझे शामिल करने तो के लिए संवाद कराने के लिए मुझे आवाज डबल सुनाई दे रही है अगर इसको फिक्स कर सकें जी सर आवाज कुछ एको हो रही है आ, आ, जो, जो स्क्रीन में नहीं है अगर वो उनके माइक बंद होंगे तो शायद ठीक हो जाएगी अभी ठीक हो गई है अभी ठीक हो गई है मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूं मैं फिर से प्रभाकर जी का अदिति जी का और वाणी प्रकाशन का धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस श्रृंखला में जोड़ा और संवाद का अवसर प्रदान किया मित्रों आज हम आदिवासी साहित्य विमर्श या आदिवासी विमर्श और हिंदी साहित्य इस विषय पर हम बात करेंगे आप जानते हैं कि हिंदी की अकादमिक दुनिया में स्त्रीवादी साहित्य और दलित साहित्य के बाद आदिवासी साहित्य या आदिवासी विमर्श की भी बात होने लगी हैं आ, लेकिन एक स्पष्टता का अभाव है इस तरह की बातचीत इस तरह के नए प्रकाशन इस स्पष्टता को और बढ़ाएंगे और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे इसी दिशा में इस प्रयास को भी देखा जाना चाहिए बहुत बड़ा सवाल ये है जहाँ से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में आदिवासियों के बारे में क्या समझदारी है और इसकी पड़ताल के माध्यम के तौर पर स्रोत के तौर पर हम आदिवासी संबंधी शोधों गोष्ठियों प्रकाशनों समीक्षाओं आदि के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आदिवासियों के बारे में हिंदी साहित्य जगत क्या सोचता है क्या समझदारी है फिर एक दूसरा सवाल जिस पे हम बात करेंगे वो है आदिवासी साहित्य क्या है और इसको कैसे पढ़ें मित्रों जो हिंदी साहित्य संबंधी शोध हैं जो मैंने कहा कि इसकी पड़ताल करने के जो स्रोत हैं हिंदी साहित्य संबंधी शोध गोष्ठियाँ प्रकाशन समीक्षाएँ जो भी बातचीत है जिसके माध्यम से एक विमर्श का निर्माण होता है एक नई चीज़ सामने आती है लेकिन इस पूरी बातचीत में आदिवासी साहित्य के बारे में क्या कुछ घटित हो रहा है वो आपको जब देखेंगे तो आपको थोड़ी निराशा हाथ लगेगी कई लोग इसके ऊपरी आवरण से आसान्वित हो सकते हैं ऊपरी आवरण यह है कि देश के लगभग हर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आदिवासी संबंधी शोध हो रहे हैं आदिवासी साहित्य या आदिवासी विमर्श और लगभग हर विश्वविद्यालय में कोई न कोई विद्यार्थी आपको मिल जाएगा हर विश्वविद्यालय का पाँच साल का आप रिकॉर्ड देखें तो एक न एक गोष्ठी या एक न एक लेक्चर आदिवासी साहित्य के बारे में या आदिवासी विमर्श के बारे में आपको मिल जाएगा या इसी तरह से प्रकाशनों की भी बात करें तो आदिवासी संबंधी साहित्य का महत्व बढ़ा है और अब जब प्रकाशक अपनी दुकान लगाते हैं पुस्तक मेले में या कहीं दो अपने उनके जहाँ पे दुकान है वहाँ पे भी आदिवासी साहित्य का एक कोना हो गया है तो इससे आप आशान्वित भी हो सकते हैं कि काफी कुछ बदलाव हो रहा है लेकिन इसमें जो निराशा की बात है वो ये है कि आदिवासी साहित्य संबंधी जो कुछ भी शोध गोष्ठिया या प्रकाशन है और वो उसमें एक स्पष्टता का अभाव है और सबसे बड़ी कमी ये है कि आप शोधार्थियों से बात करिए आप गोष्ठियों के वक्ताओं से बात करिए आप प्रकाशकों की किताबें देखिए उसमें स्वयं आदिवासियों का लेखन हाशिए पर है आपको ये लग रहा होगा कि शायद मैं इसके माध्यम से सहानुभूति के तर्क की वकालत कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो इस प्रकार है कि आप देखेंगे कि आप किसी शुद्धार्थी से बात करिए आप किसी गोष्ठी में लेक्चर सुनिए सबके पास में आधा अधूरा ज्ञान है आधी अधूरी समझ है और जो तवज्जो है वो आप किसी से बात करेंगे कि भाई आप आदिवासी साहित्य पर रिसर्च कर रहे हैं तो किसके बारे में आप काम कर रहे हैं तो वो एक दो आदिवासी साहित्यकारों के अलावा किसी का नाम भी वो शुद्धार्थी नहीं बता पाते तो ये निराशाजनक स्थिति है वो सामान्य तौर पर रचनाएं नहीं खोजना चाहते और रचनाएं अगर मिल भी जाएं तो उनकी दृष्टि में जो आदिवासी साहित्य का अध्ययन करने के लिए जो दृष्टि चाहिए उस दृष्टि का अभाव है मैं आपसे शुरू में गुजारिश करूंगा जब आज हम आदिवासी साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक गुज़ारिश करूँगा कि आपने जो एक खूबसूरत भवन बनाया है इस भवन से बाहर निकल करके आप देखिए भवन जो हिंदी साहित्य का भवन है जो आपको बहुत आकर्षक लगता है और अक्सर आपने गोष्ठियों में ये सवाल ज़रूर सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा हिंदी साहित्य इतना महान है और इसका इतिहास इतना महान है अगर आप इस पर सवाल खड़े करते हैं कई युवा लोग जोश में सवाल खड़े कर देते हैं उनसे कहा जाता है कि आप ऐसा साहित्य लिख कर के दिखाइए यानी आप ऐसी इमारत बना कर के दिखाइए एक खूबसूरत भवन आपके साथ खड़ा हुआ है जिसमें जो चमकदार है दूर से आपको आकर्षित करता है और हम सब लोग उसके प्रति अलग अलग नजरिया रखते हैं कोई ना कोई नजरिया जरूर रखते हैं अब ये इमारत आपने बना तो ली लेकिन जब ये इमारत बनाई गई तो इस बात और इसमें बहुत सारे लोगों ने मेहनत की बहुत सारे लोगों ने काम किया लेकिन जब ये इमारत बनाई गई तो ये ख्याल नहीं रखा गया कि इस इमारत में जिसको आप कह रहे हैं कि सबकी इमारत है सब आ जाइए हिंदी साहित्य की इमारत की मैं बात कर रहा हूँ सबका आपने स्वागत किया सबको आप स्वागत करते हैं कहते हैं लेकिन आपने इसमें सीढ़ियाँ इस ढंग के बनाई हैं आपने इसका इसकी संरचना इस ढंग के बनाई है कि बहुत सारे लोगों का इसमें प्रवेश वर्जित है तो इसलिए आ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने प्रतिमान बनाए हैं चीजों को देखने के समझने के स्वयं साहित्य होने के उन प्रतिमानों पर एक बार आपको पुनर्विचार करना होगा और सामान्य तौर पर जब भी कोई नया साहित्य आता है नया आंदोलन आता है तो वो नए सौंदर्य शास्त्र की मांग करता है लेकिन सामान्य तौर पर जो अब तक साहित्यिक आंदोलन आए हैं वो आ, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन की मांग करते हैं जो सौंदर्य शास्त्र चला आ रहा है उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन की मांग नहीं करते वो 19-20 बदलाव की तो हिंदी साहित्य की जो इमारत है इसमें आपने जैसे मैं कह रहा हूँ कि खूबसूरत इमारत आपने बनाई और उसकी सीढ़ियाँ इस ढंग की बनाई कि अब एक विकलांग व्यक्ति उसमें प्रवेश करना चाहता है तो वो नहीं चढ़ सकता क्योंकि अब बाकी लोगों के लिए तो बहुत आकर्षक है बहुत सुंदर सीढ़ियां हैं सोने की जड़ी हुई सीढ़ियां हैं लेकिन विकलांग व्यक्ति के लिए एक बैरियर फ्री इमारत चाहिए एक बाधा मुक्त इमारत चाहिए जिसमें वो एक रैंप के माध्यम से चढ़ सकता है आपने ये इमारत बनाई लेकिन इसमें स्त्रियों के लिए सम्मानजनक जगह नहीं दी तो स्त्रियों ने अपने लिए कहा कि भाई इस इमारत में हम तभी रहेंगे जब हमारे सम्मानजनक जगह होगी हमारा इस इमारत में हमारी हिस्सेदारी भी होगी हमारा हक भी होगा इस इमारत में जब आपने ये दर्ज किया कि आप बड़े गौरवान्वित ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत करते भाई देखिए जब लिखा जाता है इमारत का इतिहास तो कहा जाता है कि ये फला रचनाकार इस जाति के इस गोत्र के यहाँ के रहने वाले थे ए कभी उस इतिहास को लिखते वक्त ये नहीं सोचा गया कि जब कोई दलित रचनाकार का इतिहास उसमें शामिल किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि वो भंगी जाति के थे और इस गोत्र के थे और ये काम करते थे यानी ये इमारत जो आपने खड़ी की है जो आकर्षक लगती है बहुत खूबसूरत लगती है इसमें काफी कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है और खासतौर पे आदिवासियों के दृष्टि से देखे आपने भाई आदिवासियों की इमारत है लेकिन आपने तो ये शहर के बीचों बीच एक कंक्रीट की इमारत खड़ी कर दी आदिवासियों का इसमें आकर्षण नहीं है अगर आप आदिवासियों की भी इस इमारत में हिस्सेदारी चाहते हैं उनको चाहते हैं कि वो आप मानते हैं कि वो आपके साथ इसमें रहें तो इसके लिए आपको इसमें थोड़े से मॉडिफ़िकेशन करने पड़ेंगे थोड़ा इसके नदी इसके पास होती इसके पास में पेड़ होते झरने होते पहाड़ होते तो आदिवासी इसमें ज़्यादा अनुकूल महसूस करते लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन तबकों की मैं बात कर रहा हूँ उनका इमारत के प्रति आकर्षण नहीं है बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जैसे तैसे इमारत में फिट होना चाहते हैं मैं ये कहूँगा कि आपने आ, आ, उन फिट होने वाले लोगों की आकांक्षाओं की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये विकलांगों के लिए स्त्रियों के लिए दलितों के लिए आदिवासियों के लिए बहुत अच्छी इमारत है मेरे ख्याल से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने चाहिए और जो बाधाएं हैं जो बैरियर्स है उनको हटा लेना चाहिए कम से कम समझदारी के स्तर पर इस बात को आज समझना बहुत जरूरी है कि वो बैरियर्स कौन से हैं और उन बैरियर्स को कैसे हम हटा सकते हैं जैसे मैं आपको कहूं कि साहित्य की इमारत में आपने शर्त लगा दी आप चीजों को कैसे जानते हैं तो आपने शर्त लगा दी कि हम उसको साहित्य कहेंगे जो किसी बड़ी भाषा में लिखित प्रकाशित प्रशंसित पुरस्कृत है आप अपनी पसंदीदा रचना को याद करिए मैं आपसे पूछूं कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है अगर यहाँ पे पोल का कोई व्यवस्था होती तो मैं जरूर वो पोल कराता और मैं पूछता तो आप जिन रचनाओं के नाम बताते वो सारी की सारी वो रचनाएं हैं जो किसी बड़ी भाषा में हिंदी में है अंग्रेजी में है बांग्ला तमिल कन्नड़ मराठी या ओड़िया किसी बड़ी भाषा में लिखित फिर प्रकाशित और प्रकाशित भी उसके साथ भी एक और शर्त जुड़ी हुई है कोई अच्छी जगह से बड़े प्रकाशन के यहाँ से प्रकाशित फिर प्रशंसित और पुरस्कृत हम रचनाओं को कैसे जानते हैं हम रचनाओं को इन्हीं माध्यमों से जानते हैं या फिर वो पाठ्यक्रम में शामिल तो आप कहना चाहते हैं कि जो रचनाएं लिखित नहीं है जो रचनाएं प्रकाशित नहीं है जो रचनाएं प्रशंसित पुरस्कृत नहीं है जो रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है वो अच्छी रचनाएं नहीं है आप अपने भवन में अपने इमारत में उन रचनाओं को जगह देंगे या नहीं देंगे आपने जो प्रतिमान बनाए हैं क्या वो प्रतिमान सही है क्या उन प्रतिमानों के आधार पर ही हम साहित्य को समझें मित्रों जैसे साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य पर काया प्रवेश की साधना है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट कहते हैं या प्रेमचंद कहते हैं साहित्य राजनीति और समाज को मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है या इस तरह से साहित्य की जो भी परिभाषाएं दी जाती है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साहित्य हमें हमारे अनुभव संसार से बाहर ले जाता है हमारे अनुभव संसार का विस्तार करता है उसको उदार बनाता है उसको व्यापक बनाता है जब साहित्य इतना बड़ा काम करता है कि साहित्य हमारे सीमित दायरे से बाहर हमको ले जाता है तो उसमें स्त्रीवादी साहित्य दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य की भूमिका तो उससे भी ज्यादा है क्यों क्योंकि ये तो हमको ना केवल अपने अनुभव संसार से बाहर ले जाते हैं बल्कि एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिस दुनिया के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं तो उस दुनिया से परिचय होना बहुत जरूरी है तो मित्रों मैं यही आग्रह करूंगा आदिवासी साहित्य से संवाद के लिए उसको समझने के लिए उसके अध्ययन विश्लेषण के लिए उसके मूल्यांकन के लिए सबसे पहले हम उसकी सही अवधारणा को समझें आदिवासी साहित्य है क्या इस चीज़ को समझें तो आदिवासी साहित्य को समझने के लिए हमें उसके जो स्रोत सामग्री है उसका सही ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा अब आप कोई शर्त प्लीज मत लगाइएगा अभी अपने मन में भी क्योंकि हम बहुत सारे लोग सुन रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे लेकिन वो शर्त लगा देते हैं भाई नहीं हम तो हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं आप ये आदिवासी आदिवासी की क्यों बात करते हो तो आप अगर कोई भी शर्त लगाएंगे तो मैं कहूँगा कि आप आदिवासी दुनिया से संवाद नहीं करना चाहते आप आदिवासी साहित्य से संवाद नहीं करना चाहते इसलिए इन शर्तों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और आप आदिवासी परंपरा में जाइए और आदिवासी साहित्य की जो स्रोत सामग्री है उसको आप तीन हिस्सों में कैटेगराइज करके समझ सकते हैं वो तीन हिस्से कौन से हैं एक हिस्सा है पुरखा साहित्य के रूप में दूसरा आदिवासी भाषाओं का साहित्य है और तीसरा समकालीन जो आदिवासी लेखन है उसके रूप में अब ये तीनों तर्कों को आप तीनों जो स्रोत सामग्री है उसको आप ध्यान दीजिए और फिर इसके आखिर में मैं ये बात करूंगा कि ये जो स्रोत सामग्री है उसका संबंध स्वानुभूति के तर्क से नहीं है उससे इतर है आप आदिवासियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो एक अलग दुनिया है और अलग दुनिया है तो उसको जानने के लिए आपको आदिवासी भाषाओं में जाना पड़ेगा और जैसे ही हम ये शर्त लगाते हैं कि जैसे हम किसी के सभ्य होने की शर्त लगा देते हैं कि सभ्य कौन है कि अच्छा उसके पास में गाड़ी होनी चाहिए उसके पास में अच्छी कॉलोनी में घर होना चाहिए उसको हिंदी अंग्रेजी फ्रेंच या जर्मन या कोई बड़ी भाषा बोलने के लिए आनी चाहिए उसको उसने अच्छे कपड़े पहने हुए होने चाहिए उसके पास में एक अच्छा सा फोन होना चाहिए या कुछ भी हमने उसको सभ्य होने की या उसको इस लहजे में बात करना चाहिए कोई भी शर्त आपने लगा दी तो आपका मूल्यांकन इससे प्रभावित हो गया इन शर्तों को छोड़िए और आप आदिवासी दुनिया में प्रवेश करेंगे तो सबसे व्यापक और सबसे विपुल सामग्री आपको मिलेगी वो मौखिक परंपरा में मिलेगी लेकिन मौखिक परंपरा की सामग्री को हम मौखिक साहित्य कहने के बजाय पुरखा साहित्य कह रहे हैं सायास कह रहे हैं उसकी वजह है जो उसको ना मौखिक साहित्य कह रहे ना लोक साहित्य कह रहे क्योंकि सामान्य तौर पर आप कहेंगे भाई हम तो लोक साहित्य के बहुत हिमायती हैं बहुत सारे लोग प्रोग्रेसिव मानते हैं खुद को और वो लोक साहित्य पर रिसर्च करते हैं लोक साहित्य के बारे में बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि लोक साहित्य से इतर है स्वयं वंदना टेटे ने आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन में इस बात को स्पष्टता से लिखा है आदिवासी दर्शन और साहित्य वाली किताब में भी स्पष्टता से लिखा है कि लोक क्या है कि लोक जो कोई भी अवधारणा है वो अपनी समानांतर अवधारणा से परिभाषित होती है सेल्फ और अदर दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं आप किसी चीज़ को जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें ये भी बता रहे होते हैं कि इसमें ये चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ है और ये चीज़ नहीं है तो वो शास्त्र जहां पर है वो शास्त्र के इतर जो परंपराएं हैं वो लोक की परंपराएं हैं और शास्त्र आप सब जानते हैं शास्त्र हमें जीने का तरीका सिखाते हैं वो नियम निर्धारित करते हैं हमको कैसे जीना चाहिए कैसे आचरण करना चाहिए कैसे व्यवहार करना चाहिए और शास्त्र सामान्य तौर पर पवित्र भी होते हैं उन पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते उनको वो एक नॉर्मेटिव की तरह होते हैं नियामक होते हैं तो जो शास्त्र से इतर परंपरा है बाहरी समाज की उसको लोक की परंपरा जो कि ग्रामीणों की अशिक्षितों की या जो शास्त्र की परंपरा से किसी तरह से बेदखल है या जो उससे इतर व्यवहार करते हैं उन सब की परंपरा को जो मुख्य तौर पर मौखिक परम्परा में रही है उसको सम्मिलित रूप में लोक कहते हैं और लोक का भी काफी अध्ययन हिंदी के विभागों में होता है लेकिन जब आदिवासी जीवन के बारे में आप पता करेंगे तो आदिवासी जीवन में चूंकि कोई ऐसा नॉर्मेटिव नियामक या शास्त्र या कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है कोई कुरान बाइबल गीता कुछ नहीं है जब कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है कोई नॉर्मेटिव इस तरह का शास्त्र नहीं है तो उससे इतर परंपरा भी कोई लोक नहीं है आदिवासियों के पास अपनी ज्ञान परंपरा में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है जो कुछ भी संरक्षणीय है वो सब कुछ पुरखों का दिया हुआ है इसलिए उसको सम्मिलित रूप में आदिवासी चिंतक पुरखा साहित्य कहना पसंद करते हैं आपको अटपटा लग रहा होगा कि यार एक आदिवासी साहित्य की कब बात करेंगे ये क्या मौखिक साहित्य पर चले गए या लोक साहित्य पर चले गए बहुत सारे शोधार्थी शोध करते हैं और उसको आदिवासी लोक साहित्य जनजातीय लोक साहित्य इन पदों का प्रयोग करते हैं और चूंकि उनकी दृष्टि स्पष्ट नहीं होती उनको मैथोडोलॉजी नहीं पता की मौखिक परंपरा के साहित्य का अध्ययन कैसे करना चाहिए तो जाहिर सी बात उनका विश्लेषण भी कमजोर होता है और उनके निष्कर्ष गलत होते हैं इसलिए पहले हम आदिवासी जीवन के बारे में जानें और आदिवासी जीवन के लोक के बारे में जब आदिवासी साहित्य की अवधारणा की बात करते हैं तो भी अः उसके लिए जो शर्त एक अगर कोई निर्धारित करनी हो वैसे कोई शर्त नहीं है लेकिन निर्धारित करनी हो तो वो स्वानुभूति नहीं है वो शर्त है उसमें आदिवासी दर्शन का होना जिसमें आदिवासी दर्शन होगा वो आदिवासी साहित्य है फिर आप कहेंगे कि आदिवासी दर्शन क्या है तो ये समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है कि आप आदिवासी साहित्य की स्रोत सामग्री का अध्ययन करें और उसमें से स्वयं आदिवासी दर्शन को तलाशें क्योंकि अगर मैं कह दूंगा मैंने आपको कुछ सिद्धांत बता दिए कि ये सिद्धांत है आदिवासी दर्शन के तो आप कहेंगे तो दिखाई नहीं पड़ते तो इसलिए खुद उसका अगर आप अध्ययन करेंगे जो स्रोत सामग्री में बता रहा हूँ आपको ऐसे रांची में एक आदिवासियों का सम्मेलन हुआ और उसमें रांची घोषणा पत्र नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें चौदह पंद्रह बिंदु निर्धारित किए गए आदिवासी दर्शन के लेकिन मैं कहूंगा कि उन बिंदुओं पर ना जाकर के आप सीधे आदिवासी साहित्य की स्रोत सामग्री का अध्ययन करें और स्रोत सामग्री का जो आधार है सबसे जो प्रामाणिक और व्यापक भंडार है वो है पुरखा साहित्य जो बहुत ही व्यापक है जिसका देश की इस वक्त देश में 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं उनमें से आप कह सकते हैं छः साढ़े छह सौ भाषाएं आदिवासियों की भाषाएं हैं और उनमें से हर भाषा के पास में मौखिक साहित्य या पुरखा साहित्य या और की एक समृद्ध परंपरा है लेकिन उसका अध्ययन नहीं करना चाहते तो आप आ, मेरे ख्याल से आदिवासी साहित्य से संवाद नहीं करना चाहते वो आदिवासी साहित्य का सबसे प्रामाणिक ऑथेंटिक और व्यापक स्रोत है इसलिए उसका अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है कुछ लोगों ने अध्ययन किए हैं और उसके आधार पर जैसे उन्होंने गीतों का संकलन किया कथाओं का संकलन किया लेकिन गीतों और कथाओं के संकलन या उसके अध्ययन विश्लेषण में भी आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी बहुत सावधानी बरतनी होगी अगर आप अपनी भाषा अपनी विचारधारा अपने संस्कार उसके ऊपर आरोपित करेंगे अपने संकलन के दौरान अपने अनुवाद के दौरान अपने विश्लेषण के दौरान तो इससे आप सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे सही निष्कर्षों पर नहीं पहुंच पाएंगे जैसे समाज विज्ञान में एक बात बड़ी प्रचलित है समाज विज्ञानों में कि आप जैसे कई लोग फील्ड वर्क करते हैं तो ये जो पुरखा साहित्य या मौखिक साहित्य का अध्ययन करना है वो एक तरह का फील्ड वर्क का काम है तो आप फील्ड वर्क करते हैं तो कई लोग क्या करेंगे फील्ड वर्क करने के लिए गए और वो किसी शहर में आसपास के शहर में ठहर गए कोई इलाका है आदिवासी इलाका हो या कोई भी इलाका हो और किसी लोकल दोस्त दोस्त को प्रशासनिक अधिकारी को किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को खोज लेंगे कि अच्छा इससे जान पहचान है मेरी इसके माध्यम से मैं इसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी और वहां जा करके, कर के कुछ अपने क्वेश्चन आए प्रश्नावली लेकर जाते हैं सवालों के जवाब दर्ज करके उसका विश्लेषण करके थीसिस जमा कर देते हैं और फील्ड वर्क ख़त्म हो गया मित्रों समाज विज्ञानों में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई इसको लेकर के कि आपका फील्ड वर्क तब शुरू होता है जब आप संबंधित इलाके में जाकर रहते हैं और वहां के स्थानीय निवासी आपकी उपस्थिति महसूस करना बंद कर दें। आप रिसर्च करने गए आप फील्ड वर्क करने गए जाहिर सी बात है वो आप बाहरी व्यक्ति है तो आपके साथ में एक अलग तरह का व्यवहार होगा और जब तक वो व्यवहार जारी रहता है तब तक आप उनके जीवन के बारे में उनके मूल्यों के बारे में ठीक से नहीं जान सकते तो आपको खुद को इस ढंग से प्रस्तुत करना होगा और इतना समय रहना होगा कि आप वहाँ नौकरी करते हैं सिर्फ इससे आप विशेषज्ञ नहीं हो गए क्योंकि बहुत सारे हिंदी के लेखक सिर्फ इसीलिए आदिवासी विशेषज्ञ बने हुए बैठे हैं वो मानते हैं कि हम बहुत बड़े विशेषज्ञ आदिवासियों के बारे में हमारे बराबर कोई नहीं जानता क्योंकि एक दो महीने या एक दो साल उनके आदिवासी इलाकों में पोस्टिंग हो गई पोस्टिंग होने से आप आदिवासियों के विशेषज्ञ नहीं हो गए आप उनके बीच में रहिए और जब आपकी उपस्थिति महसूस करना बंद कर दें वो लोग तब आपका अध्ययन शुरू होता है तभी आपका जैसे आदिवासी भाषा किसी का आपका अध्ययन करना चाहते हैं उस मौखिक परंपरा के साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप पहले लोगों के बीच में रहिए उनके मूल्यों को उनके जीवन को उनके व्यवहार को आप समझिए उसका अध्ययन करिए रह करके और एक बाहरी की तरह नहीं उनके अंदर घुल मिल करके तो शायद आप से चीजों को समझ पाएंगे फिर आदिवासी दर्शन को अध्ययन करने के लिए कई लोग कहेंगे आजकल ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे कि कौन से आदिवासियों की आप बात कर रहे हैं बहुत सारे आदिवासी हैं और आदिवासियों में तो ये सारी बातें है ही नहीं जो बातें आप कह रहे हैं इसलिए मैं जानबूझ करके कोई ऐसी विशेषताएं रेखांकित नहीं कर रहा विशेषताएं बताऊंगा लेकिन बाद में तो वो लोग कहेंगे कि भाई आदिवासी तो ऐसे नहीं है मैं तो जिन आदिवासियों को जानता हूँ या जानती हूँ वो तो इस ढंग से रहते हैं तो जो आदिवासी दर्शन है उसकी खोज के लिए आपको संस्कृतिकरण से पहले और उपनिवेशवाद से पहले के आदिवासियों को जानना होगा संस्कृतिकरण उपनिवेशवाद को आप सब लोग जानते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर से हम निकले और एक नए भारत में हमने प्रवेश किया कल हमने आजादी की एक और वर्षगांठ मनाई तो उपनिवेशवाद से पहले को तो आप समझ रहे हैं लेकिन संस्कृतिकरण से पहले अगर आदिवासी दर्शन को अपने मूल रूप में जानना है तो संस्कृतिकरण से पहले ये एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है जो एक समाज विज्ञानी है जिनका मानना है कि समाज में निचले समझे जाने वाले तब के बाहरी समाज के संपर्क में आकर के वो उचले ऊंचे समझे जाने वाले तब जैसा आचरण करने लगते हैं उनके जीवन व्यवहारों को अपनाते हैं उनके रीति नीति त्यौहार वगैरह उनके उन सबको अपनाते हैं और कुछ समय बाद में वो खुद को उसी ढंग का क्लेम करने लगते हैं हालांकि ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पहले दलितों में हुई फिर आदिवासियों में भी हुई तो इससे जैसे कई लोग अपने साथ में आपने देखा होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा जूठन में इसका जिक्र किया है कि उनके साथ में जो वाल्मीकि सरनेम है उसको लेकर के एक ऊहा की स्थिति कुछ लोग कहते थे इसको हटा दीजिए जाति सूचक सरनेम है तो इस तरह की कोई और सरनेम रख लीजिए कई लोग हीनता बोध में दूसरे सरनेम रख लेते हैं जो ऊंची जातियों जैसे सरनेम रख लेते हैं या आपके जीवन में जिस तरह से आप देखेंगे कि कई सारी चीजें ऐसी शामिल हुई हैं आ, कि आप हर चीज पर एक एक पूजा पाठ कराने लग गए हैं आप आ, आपका आचरण आप जो जो आदिवासी कभी निजी संपत्ति की अवधारणा में यकीन नहीं करते थे और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो निजी संपत्ति में विश्वास नहीं करते वो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने लगे हैं या वो लोग वो सब कुछ करने लगे हैं वो जिस वो जिस शादियों में बहुत खर्च करने लगे हैं उनके साथ उनका जीवन और गैर आदिवासियों के जीवन का फर्क बहुत जगहों पर बहुत सीमित हो गया है लगभग खत्म सा हो गया है तो संस्कृति करण की प्रक्रिया में उन्होंने वो उन सारे आचरणों को अपनाया जिससे उनको बाहरी समाज में प्रतिष्ठा मिले आदिवासी दर्शन इस संस्कृतिकरण और उपनिवेशवाद से पहले के आदिवासी जीवन में आपको पामाणिक तौर पर मिलेगा लेकिन बहुत सारे समुदाय अभी भी ऐसे हैं बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर इस ढंग से लोग रहते हैं तो मित्रों जो, तो सबसे ऑथेंटिक और प्रामाणिक और व्यापक स्रोत सामग्री है वो है पुरखा साहित्य जैसे फादर हाफ ने मुंडा गीतों का मुंडारी गीतों का, का कलेक्शन किया इन इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का उन्होंने कई वॉल्यूम में तैयार किया और उसमें मुंडारी गीतों का भी संकलन किया तो फादर हाफमैन की जो एक दृष्टि है वहां पर साथ रहते रहते उनके साथ रहते रहते वो जो एक आंतरिक दृष्टि है वो उन्होंने विकसित की लेकिन जगदीश त्रिगुणायत का संकलन उन्हीं मुंडा गीतों का मुंडारी गीतों का संकलन बांसुरी वज्री नाम से इस फर्क को जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उन्होंने मुंडारी हिंदी में प्रस्तुत किया और फादर हाफ ने मुंडारी इंग्लिश में प्रस्तुत किया तो उन्हीं गीतों में किस तरह से फर्क आ जाता है एक संकलनकर्ता का नजरिया एक अनुवादक का नजरिया एक विश्लेषणकर्ता का नजरिया जिस भाषा से वो आया है जिस अः जिस पृष्ठभूमि से वो आया है अगर वो उसको छोड़ करके उसके पास नहीं जाता तो अः जो पुरखा साहित्य है उसके संकलन अध्ययन अनुवाद और विश्लेषण में अः दिक्कत होती है ये लेकिन एक पहला और प्रामाणिक स्रोत है व्यापक स्रोत है जो देश की 600 से ज्यादा भाषाओं में विद्यमान है तो सबसे पहले उसको संरक्षित प्रकाशित किए जाने की जरूरत है उसका अनुवाद किए जाने की जरूरत है फिर जो दूसरा स्रोत है वो है आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य की परंपरा अब आप कहेंगे कि भाई हम तो हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं लेकिन आ, मेरे ख्याल से हमको फिर से वो प्रतिमानों को इतना आरोपित नहीं करना चाहिए उससे थोड़ा मुक्त होना चाहिए अंग्रेजी के विभागों में मैंने देखा है कि हिंदी की रचनाओं पर भी काम होते हैं आदिवासी भाषाओं की रचनाओं पर भी काम होते हैं कोई इस तरह का आग्रह मूल पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं तो आप और उससे भी बड़ा तर्क ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति है अगर आपसे कहें कि आप अगर आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग किस भाषा में आप अव्यक्त करेंगे तीव्र आवेग आपके जो है उनको किन किस भाषा में आप अव्यक्त करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त करेंगे कोई भी व्यक्ति सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में करता है तो आप आदिवासी साहित्य को जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आदिवासी भाषाओं में जाना होगा और आदिवासी भाषाओं में एक और प्रवृत्ति बड़ी दिलचस्प है इसलिए आपको कुछ मदद भी मिल जाएगी क्योंकि तो बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं द्विभाषिक प्रस्तुति के साथ लिखी है यानी उन्होंने अपनी मातृभाषा में भी लिखा है और साथ में उन्होंने हिंदी अंग्रेजी मराठी या तेलुगु या गुजराती या कन्नड़ या तमिल या मलयालम किसी और भाषा में भी साथ में उसी पाठ को प्रस्तुत किया है जैसे आप निर्मला पुतुल के बारे में जानते हैं वो संथाली और हिंदी की आ, कवित्री के तौर पे मशहूर है लेकिन उन्होंने लिखना शुरू किया वो संथाली में लिखना शुरू किया कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में करता है और मातृभाषाओं में आदिवासी भाषाओं में साहित्य की अच्छी खासी परंपरा है, बहुत किताबें लिखी जा रही है और आज से नहीं लिखी जा रही कम से कम सौ सालों से लिखी जा रही है आप कहेंगे कि बहुत सारी आदिवासी भाषाओं के पास लिपियां नहीं है हाँ सच बात है बहुत सारी भाषाओं के पास लिपियां नहीं है लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि सैकड़ों भाषाओं के पास लिपियां भी हैं जिनमें आप देखें कि कई भाषाओं ने देवनागरी को अपना लिया कई भाषाओं ने रोमन को अपना लिया कई भाषाओं ने किसी और समीपवर्ती लिपि को अपना लिया और कई ने अपनी लिपियां विकसित की लेकिन आज सौ से ज्यादा आदिवासी भाषाओं के पास कोई ना कोई लिपि है और उनमें लेखन किया जा रहा है जो आदिवासी भाषाओं में लेखन का इतिहास है वो भी कम से कम सौ साल पुराना है पूर्वोत्तर की कई भाषाओं में सौ साल पहले का साहित्य मिलता है उससे सौ सवा सौ साल पहले से साहित्य मिलता है खासी गारो वगैरह में और आ, अगर आप मध्य भारत के आदिवासी भाषाओं की बात करें तो उनमें भी लेखन की परंपरा कम से कम सौ साल पुरानी है आज से सौ साल पहले 1920 में ओड़े, जो एक मुंडारी के उपन्यासकार हुए उन्होंने पांच वॉल्यूम में उपन्यास लिखा पांच भागों में आप सोचिए अब आप कह सकते हैं कि जो उपन्यास की विधा है वो विधा वास्तव में आदिवासी भाषाओं की आदिवासी साहित्य की विधा नहीं है क्योंकि आदिवासियों के यहाँ तो गीत संगीत कथाओं की परंपरा थी उपन्यास अंग्रेजी से बांग्ला से हिंदी से उनको प्राप्त हुए और उनको पढ़ करके उस ढंग का उन्होंने उस ढंग की कथा लिखने की कोशिश की और उसका नाम भी लिखा मत्राव कहनी यानी मथुरा की कहानी वो पांच वॉल्यूम में उसके एक वॉल्यूम का अनुवाद हुआ है चलो चाय बागान नाम से तो अब आप सोचिए कि 1920 में अगर पांच वॉल्यूम में एक उपन्यास लिखा जा रहा था मुंडारी भाषाओं में तो शेष आदिवासी भाषाओं में गोंडी भाषा को लेकर मोतीरावेन कंगाली का बहुत अच्छा काम है खुद मोतीरावेन कंगाली ने बहुत रचनाएं गोंडी भाषा में की है फिर सुनियर सिंह ताराम उषा किरण आtram ये तमाम लोग जो गोंडी में सक्रिय हैं कोई आ, संथाली में सक्रिय रहा कोई कुडुख में कोई खड़िया में आ, कोई भीली भाषा में इतनी भाषाओं में आपको लिखित परंपरा है साहित्य की जो आदिवासी भाषाएं उनमें जरूर जाना होगा क्योंकि अगर आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल चीजें अगर पढ़नी है तो जरूर उसे संवाद करना होगा और आदिवासी साहित्य के अध्ययता को जरूर आदिवासी भाषाओं में जाना चाहिए जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और जो तीसरा पड़ाव है या तीसरा स्रोत सामग्री है आपको आदिवासी साहित्य के अध्ययन की वो है समकालीन लेखन कैसा समकालीन लेखन जो मुख्य तौर पर गैर आदिवासी भाषाओं में और उन गैर आदिवासी भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं उनमें हिंदी है उनमें तमिल है तमिल में काफी लिखा जा रहा है गुजराती मराठी ओडिया, बांग्ला मलयालम कन्नड़ इन सभी गैर आदिवासी भाषाओं में जो बेसिकली आदिवासी इलाकों की समीप बढ़ती एक प्रमुख और स्थानीय भाषाएं हैं या बड़ी ताकतवर भाषाएं हैं इन भाषाओं में भी आदिवासियों ने लिखा है अंग्रेजी में भी लिखा है पूर्वोत्तर के ज्यादातर रचनाकार अंग्रेजी में लिखते हैं तो ये आ, आप सोचिए कि एक बहुत छोटा हिस्सा है आदिवासी साहित्य का जो जिस पर की तमाम शोधार्थी काम करते हैं जिस पर गोष्ठियों में बात होती है वो बहुत छोटा हिस्सा है और इसमें से भी जो शोधार्थियों और गोष्ठियों के वक्ताओं का जो केंद्र होता है वो सामान्य तौर पर ज्यादा से ज्यादा गैर आदिवासी रचनाएं होती है उसमें भी आदिवासी रचनाओं को बिल्कुल बहुत ही कम लोग छू पाते हैं क्योंकि उससे परिचय नहीं है अब परिचय ना होने की वजह क्या है जैसे अः इसका भी इतिहास काफी पुराना है ये भी ऐसा नहीं है कि दस पांच रचनाएं हैं और दस बारह साल पहले लिखी जानी शुरू हुई बहुत रचनाएं हैं जैसे पहली आदिवासी कवित्री की आप बात करें हिंदी में मैं सिर्फ हिंदी की अभी बात कर रहा हूँ तो सुशीला सामंत सुशीला सामंत 1940 के दशक में उनके दो काव्य संग्रह प्रकाशित हो गए एक आदिवासी कवित्री 1940 में सक्रिय है एलिस एकका की कहानियां 1950 से 60 के बीच में हिंदी की कई प्रमुख कहानी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई उनको पुनर्प्रकाशित किया है वंदना टेटे ने एलिस की कहानियां नाम से फिर रामदयाल मुंडा नदी और उसके संबंधी तथा अन्य नगीत इस सत्तर के दशक में अस्सी के दशक में रामदयाल मुंडा ने लिखना शुरू किया फादर पीटर पॉल एकका आप देखेंगे फादर पीटर पॉल एकका की किताबें आप ढूंढेंगे रामदयाल मुंडा की किताबें आप ढूंढेंगे शुरुआती रचनाकारों की कि आप किताबें ढूंढेंगे ऐसे प्रकाशकों के यहाँ से छपी है जिनको कोई नहीं जानता एक सत्य भारतीय प्रकाशन है जिसके पास उन दिनों में आई एस बी एन नंबर भी नहीं था ज्यादातर किताबें बिना आई एस बी एन के छपी हुई आदिवासियों की लेकिन क्या इस आधार पर हम उनको खारिज कर दें इस आधार पर उनकी बात ना करें कि उनके उन किताबों को आई एस बी एन नंबर नहीं मिले मेरे ख्याल से ठीक से हमको स्रोत सामग्री का अध्ययन करना होगा जैसे वंदना टेटे ने एलि सेक्का की कहानियों को खोज करके जो हिंदी कहानियां उनको पुनर्प्रकाशित किया ऐसे इन सब रचनाकारों की पुरानी रचनाओं को खोजना होगा और उनको पुनर्प्रकाशित करना होगा उनका अध्ययन करना होगा लेकिन अस्सी के दशक जब रामदयाल मुंडा सक्रिय है बलदेव मुंडा सक्रिय है और आप कहेंगे फादर पीटर पॉलिक का जो अस्सी और नब्बे के दशक के बीच में सक्रिय हुए उनको आप देखें वाल्टर भेंगरा तरुण को आप देखें रोज केकेटा वो वो भी अस्सी के दशक में कहानियां उन्होंने लिखना शुरू की और उनका पघा जोरी जोरी रि घाटो ये नब्बे के बाद में प्रकाशित हुआ और दूसरा उनका एक और कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका हो चुका है महादेव टोपो काफी दिनों से लिख रहे हैं उनका पहला संग्रह अभी प्रकाशित हुआ है तो इन शर्तों को भाई संग्रह होना चाहिए और अच्छी जगह से छपा होना चाहिए क्योंकि शोधार्थियों के क्या ख्याल है अच्छा दिल्ली में किताब मिल जानी चाहिए अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट किताब मिल जानी चाहिए तभी उस पर हम रिसर्च करेंगे तो आसानी से कौन सी उपलब्ध है या फिर आ, हंस में कथादेश में बहुवचन में तद्भव में उसकी समीक्षा प्रकाशित हो जानी चाहिए तो वही आदिवासी साहित्य को वो जानते हैं वही आदिवासी लेखन को या गैर आदिवासी लेखन को जो आदिवासियों के बारे में उसको वो जानते हैं तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऐसी कई सारी रचनाएं हैं जो जिनमें आदिवासियों का कोई संदर्भ नहीं है लेकिन उनके रचनाकार साहित्य की राजनीति में इतने ताकतवर हैं कि अपनी किताब के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर तीस चालीस समीक्षाएं छपवा देते हैं जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित करा देते हैं और दावा करते हैं कि भाई हमने आदिवासियों के बारे में प्रामाणिक तौर पर लिखा है मैं कह सकता हूं कि उनमें से बहुत सारी रचनाओं में आदिवासी का अ भी नहीं है ये सिर्फ बात स्वानुभूति की नहीं है ये बात इसकी भी है कि आदिवासी दर्शन है या नहीं एक उपन्यास जो बहुत मशहूर है वो उसमें कहा जाता है कि असुरों की पीड़ा व्यक्त हुई है उसमें असुरों के बारे में कुछ भी नहीं है उसमें असुरों के बारे में सिर्फ इन के इन्फॉर्मेशन है असुर कैसे रहते हैं असुरों के जीवन के मूल्य क्या हैं असुरों आज उनके सांस्कृतिक आचरण क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं है पूरे उपन्यास में लेकिन बड़े बड़े आलोचक जो कि जो जिनको आदत है कि ये हमारी बहुत खूबसूरत इमारत है इसकी प्रशंसा करने की आदत है तो प्रशंसा करते हैं उसको पुरस्कार दिला देते हैं रचनाओं को उन्हीं पर शोध होते हैं वही पाठ्यक्रमों में शामिल हो जाती है और हम कहीं ना कहीं जो एक मूल आदिवासी है, उससे संवाद ही नहीं कर पाते आप आदिवासी दर्शन की कसौटी पर कसिए आदिवासी रचनाकारों को भी उस कसौटी पर कसिए और जो लोग उस चमचमाते भवन के आकर्षण में हैं जो पुरस्कारों के आकर्षण में है जो, जो पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं जो आलोचकों से दोस्ती रखते हैं सिर्फ इसलिए और उनके जैसे उनकी शर्तों पर लिखते हैं उनको भी खारिज करिए उनकी आवश्यकता नहीं है वो आदिवासी साहित्य नहीं है मसलन मैं आपको उदाहरण दूं एक उपन्यास है संदू। नाम लेते हुए अब कई लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन अब ये एक खतरा उठाना पड़ेगा मैं कहूंगा कि वो एक आदिवासी द्वारा लिखा गया उपन्यास है आदिवासी जीवन संदर्भ भी उसमें है लेकिन आदिवासी दर्शन पर आधारित नहीं है आदिवासी दर्शन नहीं मिलेगा उसमें आपको तो ऐसी रचनाएं जो आदिवासी रचनाकारों ने भी गैर आदिवासियों के प्रभाव में किसी पुरस्कार की चाह में उस भवन में वो प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि वो भवन आकर्षित करता है उस भवन में चढ़ करके आप बाहर से दिखाई देते हैं तो सिर्फ इसलिए आप उसमें जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि ये मेरे ख्याल से आ, उसके आ, आदिवासी साहित्य की समझ के प्रति एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और एक बाधा उत्पन्न को मूल्यांकन करेंगे वीर तो भारत तलवार ने मुंडा गीतों का अध्ययन करते हुए जो मुंडारी भाषा के गीत है उनका अध्ययन करते हुए एक बात कही बड़ी दिलचस्प कि मुंडा गीतों का अध्ययन करते हुए आपको पता चलेगा कि वहां पर जब प्रेम में कोई त्रिकोण पैदा होता है तो उसमें कोई मारकाट नहीं है कोई छीन लेने का झपट लेने का कोई भाव नहीं है बाहरी समाज में प्रेम को बड़ी क्रांतिकारी चीज माना जाता है कि भाई प्रेम बहुत क्रांतिकारी है और इसके लिए पूरे समाज से द्रोह कर देना है अपनी जाति से द्रोह कर देना है उस और बड़ी प्रतिरोधता तो है लेकिन आदिवासी समाज में प्रेम जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेम के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते चयन का अधिकार जिसके लिए बाहरी समाज में लड़ना पड़ता है वो चयन का अधिकार दुनिया भर के सभी समुदायों में आदिवासी समुदायों में आपको सहज रूप से मिला हुआ है और अगर आपका प्रेमी पात्र ये महसूस करता है कि वो आपके साथ में सहज नहीं है खुश नहीं है तो वो दूसरे साथी का चुनाव कर सकता है और जब दूसरे साथी का चुनाव करता है तो उसमें से उदाहरण दे करके वो मुंडारी गीतों में उदाहरण है कि जाओ उसके साथ में खुश रहना इस फीलिंग को आप समझना चाहते हैं तो ये फीलिंग आपको आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य में या जो मौखिक परंपरा का साहित्य है उसी में मिलेगी अब जो व्यक्ति एक नौकरी पेशा वर्ग पैदा हो गया जो लिखता है पढ़ता है भाषण देता है और जिसने बाहरी समाज के सभी मूल्यों को अपने जीवन में अपना लिया तो अपनी जो स्त्रियां है उन पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया उन पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और वो कहता है कि भाई अच्छा मैं हूं भाई आदिवासी साहित्यकार या मैं विशेषज्ञ हूं तो कहूंगा ये सारे के सारे मूल्य जिनमें वो जी रहा है और ऐसे ही आपको आ, आजकल ग्लेडसन डुंगडुंग का एक, 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 एक अभी संग्रह आया उनकी कहानियां मैं पढ़ रहा था उसमें इस तरह का भाव है मुझे आ, रामदयाल मुंडा की कहानी है। खरगोशों का कष्ट। खरगोश एक बैठक करते करते हैं हैं और उसमें ये विचार विमर्श कि हमारे ऊपर ये शेरों का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है सिंहों का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है तो हम क्या करें तो वो बैठक करके खरगोश से ये कहते हैं भाई क्या तुम जा बात करने के लिए हमें सबसे समझदार हमको लगते हो तो क्या बात करने के लिए जा सकते हो तो फिर वो पहले तो तैयार नहीं होता फिर कुछ दिनों में बाद में उनको एक आ, मरे हुए शेर की खाल मिल जाती है कहीं से वो तो कहता है कि हाँ हाँ अब जा सकते हैं हम इस खाल को उड़ करके उनके बीच में रहेंगे और उनको समझेंगे कि अच्छा वो लोग हम हमारे साथ क्यों इतने अत्याचार करते हैं और वो खरगोश फिर जाने को तैयार हो जाता है वो शेरों के बीच में रहता है और रह करके तो कुछ समय बाद में उन शेरों को पता चल जाता है कुछ ही बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि ये शेर नहीं है और वो अः शेर उससे उसके अच्छे आप भवगत करते हैं और उसको ये समझाते हैं कि भाई तुम लोग तो ठीक ढंग से रहते ही नहीं हो तुम्हें जीने का तरीका ही नहीं आता तो खरगोश के दिमाग में बात बैठ जाती है वापस आकर के वो अपने समुदाय के लोगों से कहता है कि ये तो प्रकृति का नियम है भाई देखो जो ताकतवर है वो तो कमजोर को खाता ही है और हमें तो जीना ही नहीं आता हमारे पास ताकत क्या कि हमारा रहने करने का ढंग सब कुछ गलत है तो खरगोश की बात सुन करके बाकी खरगोश बहुत आश्चर्यचकित होते हैं ऐसे खरगोश जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुरस्कार की चाह में किसी और चाह में जो ताकतवर वर्ग की शर्तों पर उसके साथ में घुलना मिलना चाहते हैं वो मैं कहूंगा कि स्वयं आदिवासियों के लिए घातक है आदिवासी साहित्य की समझ के लिए घातक है लेकिन जब आप आदिवासी साहित्य का अध्ययन करेंगे पुरखा साहित्य का अध्ययन करेंगे आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य का अध्ययन करेंगे आदिवासी रचनाकारों को पढ़ेंगे तो उसमें से जो विशेषताएं निकल करके आएंगी वो विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण उन प्रवृत्तियों को आपको जरूर समझना चाहिए जिसको सम्मिलित रूप में हम आदिवासी दर्शन कहते हैं आदिवासी दर्शन की पहली शर्त है प्रकृति और पुरुखों के प्रति सम्मान भाव लेकिन हमारे पास ऐसे खारिज करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो तुरंत कह देंगे अरे भाई हिंदी साहित्य में क्या प्रकृति कम आई है आदिवासियों के लिए प्रकृति मैं मानता हूं कि हिंदी में भी पहाड़ों के रचनाकारों ने कई लोगों ने प्रकृति को काफी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य में या बाहरी समाज के लिए प्रकृति जो है आदिवासियों के लिए उससे अलग है आदिवासियों के लिए प्रकृति क्या है तो आप पुराने गीतों का अध्ययन करिए आप वेदांता और नियामगिरी वाले फैसले को याद करिए उड़ीसा के डोंगरिया कौन जिस नियामगिरी के आसपास रहते नियमगिरी नियामगिरी पर रहते हैं वहां पर वेदांता अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था लोगों ने विरोध किया एन ने मदद किया मदद की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद योग, वहां ग्राम सभाएं हैं वो बारह ग्राम सभाएं मिलकर के तय करें कि वहां पर वेदांता की फैक्ट्री होगी या नहीं जजमेंट अपनी जगह पर है तो ग्राम लेकिन ग्राम सभाओं का जवाब और उसकी कॉमन पंक्ति वो बहुत महत्वपूर्ण है बारह की बारह ग्राम सभाओं ने कहा कि नियमगिरी हमारे लिए पिता समान है नियमगिरी हमारा पिता है वर्षों से हमारा संरक्षण करता आया है इसलिए हम इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे प्रकृति के प्रति ये भाव पुरखों के प्रति ये भाव पुरखे सिर्फ लाभ कमाने के माध्यम नहीं है पुरखे वो हैं जिनके माध्यम से हमारा अस्तित्व है क्योंकि उनसे हमने उनकी स्मृतियों से उनके अनुभवों से हमने उस पूरे पारंपरिक ज्ञान को और संस्कृति को सीखा है अब आप कल्पना करिए बाहरी समाज में पुरुखों की क्या हालत है पुरुखों के बारे में कोई कहानी और उपन्यास लिखने से माँ पिता या किसी बड़े बुजुर्ग के बारे में कविता कहानी या उपन्यास लिख देने से पुरुखों के प्रति सम्मान भाव नहीं हो जाता पर ईश्वर की अवधारणा के बजाय वो पुरखे ही ईश्वर समान है क्योंकि कोई भी शब्द को आप ले खुद ये भाषा अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है उस दर्शन तक पहुंचने के लिए उसको समझने के लिए जब आप किसी और भाषा में बात करते हैं तो जो समुदाय उस भाषा को बोल रहा होता है उस अल्टीमेटली उस भाषा में वो विचारधारा प्रकट होती है आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए भाषा की भी एक विचारधारा होती है जो कई बार साधक होने के साथ साथ कई बार बाधक भी बन जाती है फिर जो मूलभूत विशेषता आदिवासी दर्शन वो प्रकृति और पुरखों के प्रति सम्मान भाव फिर सामूहिकता ये शायद इसी सामूहिकता का परिणाम है कि आदिवासी साहित्य में कोई आत्मकथा नहीं है अभी मेरी जानकारी में आत्मकथा नहीं लिख रहा या नहीं लिख रही क्योंकि आत्म महत्वपूर्ण नहीं, नहीं है कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है पूरा समुदाय महत्वपूर्ण है पूरा वो सामूहिकता महत्वपूर्ण है उसको बचाना है और जिसकी तरफ जो मैं मुंडा गीत का जिक्र कर रहा था जिसमें प्रेम त्रिकोण पैदा होता है वहां पर भी जो प्रेमी और प्रेमी का पात्र है वो उस सामूहिकता की रक्षा करते हैं वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए व्यक्तिगत उसके लिए मैं लड़ाई करूं मैं छीन लूंगा उसे मार दूंगा नहीं सामने वाले की इच्छा और फिर सामूहिकता फिर आदिवासी साहित्य की एक विशेषता है उसमें सहजता का होना और ये सहजता जब मैं कह रहा हूं तो उन सारे मूल्यों के बरक्स कह रहा हूं जो सामान्य तौर पर स्त्रीवादी साहित्य और दलित साहित्य के बाद में चर्चा शुरू होने की वजह से आरोपित कर दिए जाते हैं कह दिया जाता है और प्रतिरोध का साहित्य है आक्रोश का साहित्य है नहीं आदिवासी साहित्य नहीं है हाँ प्रतिरोध है लेकिन कोई केंद्रीय तत्व नहीं है आदिवासियों ने लड़ाइयां भी लड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन शुरू में और बाद तक भी काफी कुछ पूंजीवादियों और सामंतों की गिरफ्त में रहा जो भारतीय सामंतवाद से नहीं लड़ता एक सीमा तक ही लड़ता है लेकिन आदिवासियों ने जब अंग्रेजों से लोहा लिया तो वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भी लड़ रहे थे और भारतीय सामंतवाद से भी लड़ रहे थे संथाल हूल की प्रकृति आप देख लीजिए बिरसा के उलगुलान की प्रकृति देख लीजिए या और कोई आंदोलन देख लीजिए विद्रोह की चेतना है लेकिन विद्रोह की चेतना कोई केंद्रीय तत्व नहीं है और पुरखा साहित्य में तो बिल्कुल नहीं है आप किसी भी पुराने गीत कथा का को आप पढ़िए तो आपको लगेगा अरे कितनी सहजता है सर कोई फूल के बारे में कविता लिख वो गीत लिखा हुआ है कोई प्यार मोहब्बत के बारे में गीत लिखा हुआ है किसी रिश्ते के बारे में गीत लिखा हुआ है किसी पेड़ के बारे में लिखा हुआ है किसी पहाड़ के बारे में लिखा हुआ है किसी नदी के बारे में लिखा हुआ है, है। जिसमें कि मनुष्य मानता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है हम लोग कहते हैं कि हम चौरासी लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य आदिवासी दर्शन इस दंभी दावे को खारिज करता है वो मानता है कि सिर्फ मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है सभी प्राणी महत्वपूर्ण है न केवल दूसरे प्राणी बल्कि नदी नाले पहाड़ भी महत्वपूर्ण है मैं आपको एक आदिवासी कथा सुनाता हूं बहुत छोटी सी है मेरा समय हो गया है, मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बड़ी अच्छी विकास परियोजना आई किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए उसका मैनेजर जो स्थानीय लोगों के संपर्क में था उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप गांव वालों को समझाओ यहाँ पे अच्छी सड़कें बनेंगी अच्छी स्कूल अस्पताल बनेंगे आप ये जगह छोड़ दो आपका पुनर्वास होगा वो व्यक्ति आ गया गांव के लोग लाइन में बैठे हुए हैं और वो सबसे पूछ रहा है भाई अच्छा हाँ ठीक है कितने लोग हैं आपके परिवार में ठीक तो है पुनर्वास तो एक आदिवासी पूछता है सबको फिर से बसाया जाएगा ना कि हाँ हाँ बसाया जाएगा आप चिंता मत करिए अच्छी जगह मिलेगी अच्छा कि नौकरी भी मिलेगी आपके बच्चों को सब कुछ होगा कहता तो 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 अच्छा ठीक है तो ठीक है हमारे परिवार के लोगों के नाम लिखिए लेकिन ये हमारे पास में आपके राशन कार्ड है आपका आपका रिकॉर्ड है हमारे पास में आप पति पत्नी और आपके दो बच्चे हैं कि नहीं आपका रिकॉर्ड गलत है हमारे परिवार में 360 लोग हैं तीन 360 लोग कौन 360 लोग हमारे रिकॉर्ड में तो चार लोग हैं कि हमारे परिवार में ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं हमारे आंगन में इसमें 20 तोते रहते हैं चालीस गिलहरियां रहती हैं, बाईस मोर रहते हैं इतनी सारी बकरियां हैं, ये भेड़े हैं गाय हैं, भैंस हैं, ये चिड़िया हैं, इन सब को मिलाकर तीन सौ साठ अब देख लीजिए तीन सौ साठ लोगों का पुनर्वास होगा कि नहीं तो अब देखिए कि जो मनुष्य केंद्रित विकास है जिस पर हम बड़ा गर्व करते हैं और रामशुभ चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास पढ़ते हुए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पढ़ते हुए आधुनिक काल में आकर के बड़े गर्व के साथ ये कहते कि देखो मनुष्य सारे चिंतन के केंद्र में आ गया क्या हुआ मनुष्य को केंद्र में करके मनुष्य केंद्रित विकास ही है कि एक वायरस से पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पर है ये मनुष्य केंद्रित विकास का ही परिणाम है कि ग्लोबल वार्मिंग जो आप अभी ध्यान नहीं दे रहे लेकिन उससे बहुत बड़ी आबादी तबाह के कगार पर है ग्लेशियर पिघल चुके हैं आदिवासी दर्शन इस मनुष्य के इस दंभी दावे को जो श्रेष्ठता के दावे को और इस मनुष्य केंद्रित विकास को खारिज करता है आदिवासी दर्शन विविधता का दर्शन है डाइवर्सिटी का आजकल आप देखेंगे दो विचारधाराएं बहुत प्रो, प्रोमिनेंट है डोमिनेंट है कौन सी दो विचारधाराएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद नेशनलिज्म बाहर से अलग अलग दिखाई पड़ती है पर दोनों विविधता विरोधी अवधारणाएं हैं ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में पूंजी की एक जैसी संस्कृति विकसित करना चाहता है राष्ट्रवाद राष्ट्र के स्तर पर एक जैसी संस्कृति जब भारतीय संस्कृति कहते हैं तो क्या वास्तव में आप तमाम संस्कृतियों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या सिर्फ हिंदू संस्कृति को ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा त्योहार है ये भारतीय संस्कृति की देखो पोशाक है भारतीय संस्कृति दिखाई क्या पोशाक दिखाई आपने क्या सभी लोग वही पोशाक पहनते हैं भारतीय संस्कृति एक विविधता वाली संस्कृति है जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी विविधता में एकता लेकिन वास्तव में उन विविधताओं को हम शोषण का और पदानुक्रम का आधार बनाते हैं उन विविधताओं को कभी हम सेलिब्रेट नहीं करते कोई आपसे अलग भाषा बोलता है कोई आपसे अलग कपड़े पहनता है कोई आपसे अलग खाना खाता है कोई आपसे अलग दिखता है इस आधार पर आप उसके साथ शोषण करते हो आप एक पदानुक्रम का आधार निर्मित करते हो आप ये नहीं मानते कहा वाह कितना अच्छा है आदिवासी दर्शन इस विविधता का समर्थक है सभी को आना चाहिए यह दुनिया इंद्रधनुषी या इंद्रधनुषी होना चाहिए इसको आप कल्पना करिए कि सिर्फ एक रंग हो आपका पसंदीदा रंग चाहे जो भी हो वो पिंक है ब्लू है ग्रीन है कोई भी है क्या एक रंग में आप हमेशा जी सकते हैं कितनी उबाव हो जाएगी दुनिया इस विविधता को मेरे ख्याल से सेलिब्रेट करना चाहिए इंद्रधनुषी और हमारा संयोग से सौभाग्य आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए जहां पे एक विविध दुनिया हमारे पास बची हुई है यूरोप में खत्म हो चुकी है नहीं है सब एक जैसे आप किसी भी देश में चले जाइए एक जैसी इमारतें एक जैसा खाना एक जैसे आ, आ, कप, आ, आ, कपड़े लोगों के एक जैसे घर सब कुछ एक जैसा है विविधता फिर ये जो पूंजीवादी भूमंडलीकरण है इसका नकार है आदिवासी साहित्य यहां पर दलित साहित्य से थोड़ा पार्थक्य आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि पूंजीवादी भूमंडलीकरण दलितों को पारंपरिक पेशों से मुक्त करता है इसलिए जाति के बंधन को कमजोर करता है एक हद तक लेकिन एक सीमा के बाद नहीं ये ठीक बात है कि आप मॉल में जाने पर कोई आपकी जाति नहीं पूछ रहा आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन आप जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन तभी तो करेंगे जब आपके जेब में पैसे होंगे। एक सीमा तक आपके जाति के पदानुक्रम को कमजोर करता है, लेकिन ये जो पूंजीवादी लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है उपन्यास पढ़ लीजिए आप जो शहरीकरण है शहरीकरण भी आप देखेंगे तो दलित साहित्य में शहरीकरण एक सकारात्मक चीज खुद डॉक्टर अंबेडकर के लेखन में सकारात्मक चीज शहरीकरण के खिलाफ है आदिवासी दर्शन आदिवासी साहित्य। शहरों में आदिवासियों की क्या स्थिति है? आदिवासी परिभाषित होते हैं उस परिवेश से, जहां पर वो रहते हैं सदियों से जहां पर उनके पुरखे रहते आए हैं उससे कटने के बाद वो आदिवासी नहीं है वो एक जैसे पानी में से आपने मछली को निकाला वो जो तड़पती हुई मरती है वो हालत होती है आदिवासी की शहरों में वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं दिहाड़ी पर मजदूरी करने को बेवश है जितनी विकास परियोजनाएं आई ये विकास आप अपने पास रखिए आदिवासी इसको तमाम लेखकों को आप पढ़ लीजिए निर्मला पुतुल की कविताएं पढ़ लीजिए मेरे पास उदाहरण देने के लिए वक्त नहीं है बहुत सारे उदाहरण हैं अनुज लोग को आप पढ़ लीजिए दांडू जाए तो जाए कहाँ कटते जंगल में या बढ़ते जंगल में ये बढ़ता जंगल जो कंक्रीट का बढ़ता हुआ जंगल है एक संशय पैदा हो गया है आदिवासी के सामने भी क्योंकि उसका अस्तित्व तो वहां पर भी खत्म हो रहा है लेकिन उन्हीं चीजों से वो निर्मित होता है उनको वो छोड़ नहीं सकता आप कहेंगे कि मेरी बातें ये कह रही है कि मैं आदिवासी को जंगल में रखना चाहता हूं मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि जैसे साहित्य के लिए किसी चीज के लिए हमने जो प्रतिमान निर्मित किए उनको प्लीज किया उनको वैसे ही आप मैं आदिवासियों के विकास के मसले पर कहूंगा जो संयुक्त राष्ट्र कहता है उस बात को मैं वकालत करूंगा उसकी कि आप उनको आत्मनिर्णय का अधिकार दीजिए वो खुद तय करें आप क्यों बता रहे हैं आप कहते हैं कि उद्योग धंधों से विकास होता है आप कहते हैं कि ऐसे रहना चाहिए मत बताइए वो खुद तय करेंगे तमाम ऐसी कविताएं मेरे दिमाग में ऐसी कहानियों के पात्र घूम रहे हैं जो जो शहरों में आए जो ये ये जो जो बांध बने उनसे विस्थापित हुए जो कोई खनन योजना हुई उससे विस्थापित हुए जो शहरों में लड़कियां आई उनके साथ में क्या हुआ जो दिहाड़ी पर काम करने आई लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है उनके साथ क्या हुआ किसी भी रचनाकार की कहानी उठा लीजिए हर किसी ने इस पे कहानी लिखी है हर कवि ने इस इसपे कविता लिखी है निर्मला पुतुल ने खुद लिखी है ने लिखी है झांसे के में आदिवासियों को जो फंस आदिवासी इसके खिलाफ इस पूंजीवादी भूमंडलीकरण के खिलाफ खड़े हैं इसका नकार है लेकिन इसके बदले में ये मत कहिए कि ये व्यवस्था ले लीजिए उनको खुद तय करने दीजिए जैसे संयुक्त राष्ट्र आत्मनिर्णय का अधिकार की वकालत करता है ऑस्ट्रेलिया कि सरकार ने अप को अब कुछ हद तक उस तरह का आत्मनिर्णय का अधिकार दिया है उस आत्म निर्णय खुद तय करिए भाई आप अपने घर में रहते हैं मैं अपने घर में हूं कोई मुझसे क्यों कहे कि मुझे कैसे रहना चाहिए जब तक मैं उसके जीवन में दखल नहीं कर रहा उनको तय करने दीजिए कि वो किस आधार पर बाहरी समाज से रिश्ता चाहते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों की लूट के केंद्र नहीं है जो आपने समझ लिए हैं वो भी जीते जागते इंसान हैं वहाँ पर भी बहुत सारे प्राणी रहते हैं उन प्राणियों को उनसे संवाद करिए और उनसे संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है आदिवासी साहित्य इसलिए मित्रों आदिवासी साहित्य को ठीक से पढ़िए ठीक से समझिए तो निश्चित तौर पर जैसे आज एक समावेशी लोकतंत्र की जरूरत है एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की जरूरत है इसमें सब लोग शामिल हो सकें ऐसे एक समावेशी साहित्य की जरूरत है जैसे हमने शुरू में कहा कि साहित्य हमारे अनुभव संसार का विस्तार करता है तो आदिवासी दुनिया आदिवासी साहित्य उस अनुभव संसार को और ज़्यादा व्यापक बनाते हैं एक वैकल्पिक दृष्टि एक वैकल्पिक बे, जीवन दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो निश्चित तौर पर इस सृष्टि को बचाने में आपके काम आ सकता है आप सब लोगों ने मुझे सुना बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार गंगा जी और मुझे लगता है एक समृद्ध और भरा पूरा व्याख्यान और एक नजरिया जो नया मौलिक नजरिया आदिवासी साहित्य पर हमें सुनने को मिला और हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारा आदिवासी साहित्य और चिंतन पर बहुत सारी किताबें जिस तरह से लिखी गई हैं उनको पढ़ते हुए हम एक अपनी समझ बनाते हैं लेकिन इस व्याख्यान से एक नया नजरिया मिला और उसमें खास बात यह है कि आदिवासी साहित्य तो को आदिवासी दर्शन और उसकी संस्कृति के पूरेपन के साथ कैसे समझना चाहिए जो हिंदी में आदिवासी साहित्य लिखा गया है सिर्फ वही आदिवासी साहित्य नहीं है उसके स्रोत कहाँ कहाँ है उसकी तरफ आपने बहुत ही बहुत ढंग से कहीं कथा के उदाहरण के माध्यम से कुछ उदाहरण के माध्यम से आपने बताया आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया बहुत सारे प्रश्न हैं दो छोटे प्रश्न मैं आपसे करता हूं जो हमारे सुनने वालों की तरफ से आए एक प्रश्न तो यह है कि इस बीच में पिछले कुछ दो तीन दशकों से आदिवासी साहित्य दलित साहित्य और स्त्री साहित्य पर खूब शोध हुए हैं और उसमें आदिवासी साहित्य पर भी खूब हुआ है लेकिन वहां एक समस्या आती है कि ज्यादातर जो टेक्स्ट है वह मूल टेक्स्ट से पढ़ने को बच्चे को या शोधार्थी को नहीं मिलता वो द्वितीय स्रोत से या कहीं ना कहीं किसी स्रोत के माध्यम से लिखे हुए के माध्यम से वो जो संपादन है या इन सबसे शोध करते हैं तो उसकी प्रामाणिकता कितनी मानी जाए क्या उससे आदिवासी साहित्य और उसकी संस्कृति में कुछ विकसित हो पा रहा है कि नहीं एक सवाल तो यह है और दूसरा सवाल यह है कि गैर आदिवासियों पर जो आपने बातचीत की कि उसमें हिंदी साहित्य में या तमाम जो साहित्य में लेखन हो रहा है आदिवासी संस्कृति को लेकर तो उसमें यह है कि जो पूंजीवाद है जो आदिवासी साहित्य में पूंजीवाद और उदारीकरण का प्रतिरोध है उसके मूल में तो उसका विरोध वहां भी दर्ज होता है तो क्या कहीं ना कहीं वह आदिवासी साहित्य की जो संस्कृति है या दर्शन है उसमें वह सहयोग क्या नहीं कर पा रहा है वह साहित्य ये दो प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूँ इसका संक्षिप्त उत्तर दें तो फिर हम लोग अपने व्याख्यान को समाप्त जी।, जी पहले सवाल पर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जब जो शोध करते हैं तो शोध में शोध का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ सामग्री ली और उसका अध्ययन पढ़ा और उसके आधार पर कुछ लिख दिया और जमा कर दिया शोध में रचनाओं को खोजने का काम भी होता है और होना चाहिए खासतौर पर आप अगर ऐसा विषय लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जहाँ से चीजें प्रकाशित हैं तो मैं कहूँगा कि जो चीजें हिंदी में हैं वो सब आसानी से उपलब्ध हैं आसानी से मतलब दिल्ली की लाइब्रेरीज में शायद ना हो दिल्ली में आदिवासी लेखक नहीं रहते लेकिन आपको रांची में रायपुर में या कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी वो रचनाएं और जो प्रकाशन है क्योंकि प्रकाशन की गाँव में तो है नहीं प्रकाशन तो शहरों में ही है सब तो शहरों में आपको मिल जाएगी थोड़ी सी मेहनत करने से आपको मिल जाएगी कोई रचनाकार जो रचनाकार जीवित हैं उनके पास जो तो उनके प्रतियाँ हैं वो आपको भेज देंगे तो प्रामाणिकता का को कोई सवाल ही नहीं है वहां से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं हाँ जब आप आदिवासी मौखिक परंपरा के साहित्य का संकलन करते हैं उसका अनुवाद करते हैं तो निश्चित तौर पर एक सावधानी बरतने की जरूरत है उस समाज के बारे में जानना चाहिए और उसको समझना चाहिए तभी उसका संकलन अनुवाद या विश्लेषण करना चाहिए दूसरा सवाल आपका है कि गैर आदिवासियों ने भी पूंजीवादी भूमंडलीकरण के खिलाफ लिखा है निश्चित तौर पर लिखा है लेकिन मैं कहूंगा कि उस पर तो बहुत ज्यादा शोध हुए हैं हर विश्वविद्यालय में कोई ना कोई शोध उस पर मिल जाएगा आपको मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि जो आदिवासियों की रचनाएं हैं और दूसरा ये पूंजीवादी भूमंडीकरण का विरोध कोई केंद्रीय एक विशेषता नहीं है बहुत सारी विशेषताएं कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर शोध नहीं हुआ है तो उन क्षेत्रों में शोध करना चाहिए और पूंजीवादी भूमंडलीकरण के विरोध में जो रचनाएं आदिवासियों ने लिखी है उसको भी शामिल किया जाना चाहिए उस पर भी बात होनी चाहिए आप ज्यादातर शोधार्थियों से बात करेंगे उनको पता ही नहीं है वो आदिवासी रचनाकारों के नाम ही नहीं जानते जबकि हिंदी में इस वक्त कम से कम मैं कहूंगा कि 50 60 रचनाकार कम से कम जो जिनकी दो-दो तीन-तीन रचनाएं आ चुकी है ऐसे सक्रिय हैं लेकिन उनके बारे में ज्यादातर तो ज्यादातरুধार्थी नहीं जानना चाहते ये उनका एक मैं कहूंगा कि एक एक तरह का आलस भाव है इससे निकलना चाहिए शोध के लिए अच्छा नहीं है बहुत-बहुत धन्यवाद यह आपने नए गवाक्ष खोले इस पूरे व्याख्यान में और ये बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं भी हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में या तमाम सारे विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं उनको देख रहे हैं और इस बीच में एक खास बात आपने अपने व्याख्यान में कहा था जो कि अपनी मूल भाषा में लिखने के साथ साथ बहुत सारे युवा साथी हैं आदिवासी जो हिंदी में भी लिख रहे हैं जैसे कि अनुज लुगुन जनसिता करकेट्टा जैसी जो कविताएं जो हिंदी में वो लोग लिख रहे हैं खूब पसंद की जा रही हैं अपने पूरे आदिवासी संस्कृति को लेकर उसके विस्तार को लेकर इस तरह से उन्होंने लिखा है तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने श्रोताओं की तरफ से अपनी तरफ से वाणी डिजिटल मंच की तरफ से और अदिति जी की तरफ से जो लगातार हमारे साथ हैं यहाँ पर उपस्थित हैं संयोजक हैं इस श्रृंखला की और आपको बार बार इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस व्याख्यान से शोध को कैसे किया जाए आदिवासी साहित्य में शोध कैसे किया जाए आदिवासी साहित्य को कैसे पढ़ा जाए एक नया नजरिया हमें मिला है बहुत बहुत आभार और शुक्रिया बहुत धन्यवाद आपका और आदित्य जी का और वाणी समूह का थैंक यू